यार सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा था कि एक ही सेंटर से एक ही जगह से इतने सारे टॉपर्स आना या फिर इतने सारे बच्चों के मार्क्स इंक्रीज होने का क्या रीजन है, क्या ये एक ही जगह से इंक्रीज हुए हैं। तो इसके पक्ष में एनटीए ने अपनी डाटा एनालाइज किया है, और एनालाइज करने के बाद में उसने डिटेल में 11,000 बच्चों का डाटा एनालाइज किया है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जहां पर पेपर लीक हुआ था, जैसे कि आप पटना को मान सकते हैं, गोधरा को मान सकते हैं, गुजरात में ऐसी अनेक जगह थी जहां पर पेपर लीक हुआ था। क्या वहां पर बच्चों के मैक्सिमम नंबर आए हैं, क्या वहां से बच्चा टॉपर आया, उसके रिगार्डिंग डाटा एनालाइज करके एनटीए ने जवाब दिया है, या फिर न्यूज सामने निकल के आ रही है कि एनटीए इस तरह से डाटा को कल सुप्रीम कोर्ट में दिखाने वाला है। तो एनटीए ने बोला यार कि 175 कैंडिडेट फ्रॉम 12 सेंटर इन पटना एंड 8 फ्रॉम 2 गोदारा सेंटर मैनेज्ड टू स्कोर 640 प्लस और अबव इन द नीट यूजी एग्जाम। कि उन्होंने बोला है कि पटना में 12 सेंटर प्लस थे जहां से 175 प्लस 8 गोदारा सेंटर थे जहां पर पेपर लीक की बात बताई जा रही थी। वहां के सेंटर से ओनली 175 प्लस 8 बच्चे ही थे जो 640 प्लस स्कोर कर पाए। और साथ में ये भी बताया गया है कि यार जो गोदरा सेंटर है वहां से 680 प्लस एक ही बच्चा नहीं है, और पटना से ओनली 35 कैंडिडेट जो 680 प्लस स्कोर अचीव कर पाए हैं। और इसी के साथ एक न्यूज आई थी कि पटना में किसी एक स्टूडेंट जिसका नाम है रोशनी, उसको अरेस्ट किया था उसकी कॉपी के साथ। उस स्टूडेंट का 103 मार्क्स आया था 720 में से। ये भी चीजें सामने निकल के आ रही है। इसके बाद उन्होंने बताया कि यार जो अगर मान लो हम 11,000 बच्चों का डाटा एनालाइज करेंगे तो ये लगभग 11,000 बच्चे ऐसा नहीं किसी एक सिटी से या फिर एक सेंटर से या फिर दो चार सेंटर से ही है, ये मैक्सिमम 800 सेंटर है। 800 सेंटर के अलग अलग बच्चे जो टॉप 11,000 बच्चों में आ रहे हैं, ये भी बताई साथ में। और उन्होंने एक ये भी बताया कि अगर मान लो कि 1,000 तो बच्चों के कैंडिडेट को मैं चेक करता हूं, उसका डाटा एनालाइज करता हूं, तो लगभग 800 सेंटर है जहां से 1,000 बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग एनटीए मानता है कि अगर मान लो पेपर लीक होता है किसी एक जगह एक सिटी से बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे होते जो टॉप में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1,000 बच्चों की बात करेंगे तो 800 सेंटर से आए गए हैं। साथ में अगर मैं बात करूं 1,00,000 प्लस स्टूडेंट की, क्योंकि नीट में 1,00,000 बच्चे होते हैं जिनका गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, तो ये भी निकाले तो लगभग 4,500 सेंटर हैं इन ऑल इंडिया से जहां से 1,00,000 बच्चे निकल कर आए हैं। तो इसका मतलब एनटीए मान रहा है कि पेपर जो लीक हुआ था वो मास में नहीं लीक हुआ है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक में या फिर आइसोलेशन सेंटर थे वहीं पर लीक हुआ है, ऐसा एनटीए मान रहा है। और यही चीज वो कल अपने डाटा के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को दिखाने वाला है। तो ये न्यूज निकल के आ रही थी इसलिए मैंने आपको बताना इंपोर्टेंट समझा। और इसी के साथ सबसे बड़ी चीज उन्होंने जो बोली थी वो ये थी कि द क्वालिफाइंग एवरेज फॉर पटना इन गोधारा आर नॉट ओनली लोअर देन द नेशनल एवरेज बट आल्सो लोअर देयर नेबरिंग सिटीज एंड सेंटर्स। मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज मार्क्स होता है बच्चों का वो ऑल इंडिया से तो कम है ही से पटना का, साथ के साथ में जो उसके आस पास के सिटी और सेंटर थे वहां से भी लोअर आया है। तो ये भी एक उनकी तरफ से सफाई है कि यार अगर पेपर लीक होता तो इन सबसे ज्यादा नंबर आ रहे होते लेकिन वहां का एवरेज मार्क्स सबसे बिलो एवरेज है, तो ये चीजें उन्होंने बताई। तो अगर ये बात बिल्कुल सत्य निकलती तो हम देखते हैं कल क्या होता है, रीनीट के चांसेस इससे कम हो जाएंगे, क्योंकि यार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यार इस चीजों पे आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कल क्या होता है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।